आज मैं आपको बताऊंगा निंजा 6R के बारे में। सबसे ज्यादा फंक्शन इस बाइक में दिए गए हैं। जो दुनिया के अंदर साइलेंसर बनाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा लाउड साइलेंसर में आता है। ये बहुत अच्छी बाइक है। अगर आप 600 में बाइक लेना चाहें तो 600 बाइक के अंदर बेस्ट बाइक ये है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मान बुलेट। आज मैं आपको बताऊंगा निंजा 6R के बारे में। पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता दें कि निंजा सीरीज जो है ये कावासाकी की 1984 के अंदर निंजा सीरीज का आगाज किया गया और उसके बाद निंजा सीरीज जो है 2017 तक अभी तक आई है और अभी इनकी कोई न्यू अभी बाइक लॉन्च नहीं हुई। 2017 में लास्ट बाइक लॉन्च हुई थी। तो ये जो बाइक है जिसके साथ आप मौजूद हैं ये 6R है और ये 600 cc है, 636 cc, 636 cc बाइक है ये। और इसका जो वेट है, बॉडी वेट पूरा इंजन समेत पूरी बाइक का वेट वो तकरीबन 182 kg है। 182 kg से 200 kg तक इसका वेट है। और आम बंदा तो आप इसके वजन के हिसाब से हिसाब लगा लें कि पतला सा कोई बंदा हो तो वो इसको हैंडल नहीं कर सकता, इसको स्टैंड से नहीं उतार सकता। हैवी बाइक्स को संभालने के लिए जानदार बंदा ही होना चाहिए तो बेहतर है। और दूसरी चीज़, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं। 600 बाइक के अंदर, 600 जितनी भी 600 सीरीज आई है उसके अंदर सबसे ज़्यादा फंक्शन इस बाइक में दिए गए हैं। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है, इसके अंदर ABS ब्रेक हैं और इसके अंदर लो हाई स्पीड है और इसकी स्पीड जो है 280 किलोमीटर पर आवर है। और आप IMS के बारे में आपको और बताते हैं। अच्छा, अगर आप इसका मीटर देखें तो मीटर के अंदर आपको L लिखा हुआ आ रहा है, ये लो स्पीड पे है। अगर इसको मैं एक दफ़ा ऊपर करता हूँ तो ये फुल स्पीड पे आ गया, F पे आ गया। F पे ये तेज स्पीड पे जाएगा और L पे जो है फास्ट स्पीड पे और L पे लो स्पीड पे। उसके बाद आप इसके नीचे देख रहे हैं कि 1 लिखा हुआ है, ये ट्रैक्शन कंट्रोल है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इसके ऊपर ये आप देखेंगे कि 1 लिखा है, 1 के बाद ये आ गया 2 और 2 के बाद 3। ट्रैक्शन कंट्रोल ये चीज़ है कि अगर आप बाइक पे बहुत ज़्यादा ड्रिफ्टिंग करना चाह रहे हैं तो इसकी ये ट्रैक्शन बढ़ा दें तो आप ड्रिफ्टिंग की तरफ आ जाएंगे। और अगर आप इसको ईजी चलाना चाह रहे हैं कि जहाँ पे आप ब्रेक लगाएं वहीं जैम हो जाए और स्लिप ना करे बाइक, तो उसको आप फिर उसकी जो है ट्रैक्शन वो कम कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आप देखें प्रोजेक्टर लाइट्स हैं और प्रोजेक्टर लाइट जो है काफ़ी हाई लाइट होती है। उसके अलावा इसके अंदर आप ये देख रहे होंगे कि एक्स्ट्रा चीज़ें जो लगाई गई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसका ये जो है ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है ताकि अगर खुदा ना खास्ता बाइक गिरती है तो इसकी बॉडी को कोई नुकसान ना हो। उसके अलावा जो इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ लगाई गई है वो इसके क्लच हैं, ये आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा लगे हुए हैं जो फोल्डिंग वाले हैं, ये आफ्टर मार्केट लगाए गए हैं। उसके अलावा अगर आप घूम के दूसरी साइड पर आएँ तो इसका जो साइलेंसर है ये सबसे ज़्यादा लाउड साइलेंसर है। जो दुनिया के अंदर साइलेंसर बनाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा लाउड साइलेंसर में आता है। M4 नाम है, M4 की वैसे तो एक गन भी आती है लेकिन ये M4 इसका नाम दिया गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाउड है और ये आफ्टर मार्केट लगाया गया। अगर इसी की कीमत आप पूछें तो ये तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का सिर्फ ये एक इसके अंदर साइलेंसर इंस्टॉल किया गया है। उसके अलावा इस बाइक की कीमत जो है वो 2 मिलियन से 2.5 मिलियन तक है। और ये बाइक जो है 600 cc के अंदर, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, 600 cc के अंदर ये वन ऑफ द मोस्ट फंक्शन बाइक है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शन इंस्टॉल किए गए हैं। इसकी सीट बहुत कंफर्टेबल है, आप देख सकते हैं कि अगर पतला बंदा बैठेगा तो वो भी आराम से बैठ सकता है, मोटा बंदा बैठे तो उसके लिए टेक भी है, यहाँ पे आराम से बैठ सकता है और दूसरा बंदा बिल्कुल टेल के ऊपर बैठेगा। और इसके पीछे आप देख सकते हैं ये टेल लाइट है, इसके आप ये देख सकते हैं जो इशारे बैक के हैं वो ये भी आफ्टर मार्केट लगाए गए हैं, इसके अपने नहीं है। इसके अंदर जो पिछला टायर आप ये देख रहे हैं ये 180/55/17 है, इस टायर का साइज़ है। और अगर आप अगला टायर देखें, इसका अगला टायर जो है वो 120/70/17 है और पिछला जैसे मैंने आपको बताया 636 वाटर कूल इंजन है इस बाइक के अंदर। और उसके अलावा इसके सेंटर में एक शॉक लगाया गया है, ये आप देख सकते हैं, और ये हर हैवी बाइक में लगा होता है। उसके अलावा अगले शॉक्स हैं और ये डबल डिस्क ब्रेक है, इसके आगे आप देख सकते हैं ABS ब्रेक में
डबल डिस्क ब्रेक है, उसके अलावा ये कैट आइज है आगे से, और इसके इशारे भी फोल्डेबल हैं। और अच्छा, जो लोग हैवी बाइक के बारे में इतना कुछ नहीं जानते उनको बता देते हैं कि इसका जो पहला गियर है वो आगे डलता है ऐसे, और बाकी गियर आप पाँव नीचे से डाल के, तो जिस तरह गियर निकालते हैं उस तरह से बाकी गियर इसके डलते हैं। ये बहुत अच्छी बाइक है, अगर आप 600 में बाइक लेना चाहें तो 600 बाइक के अंदर बेस्ट बाइक ये है जो आप ले सकते हैं। और इसकी कीमत मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 20 लाख से 25 लाख के दरमियान इसकी कीमत है। ये थी ऑटो लाइन वालों की निंजा बाइक। कमेंट में बताइएगा अगर आपके पास भी कोई ऐसी बाइक है, हम उसका भी रिव्यू करेंगे। तो अपने होस्ट उस्मान बुलेट की इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।